दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं खेल रहा हूँ दोस्तों इस टाइम पे बीजीएमआई क्यों खेल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा मेरे पास है मोटोरोला की ब्रांडिंग के साथ आने वाला मोटो G32, जिसका उसके लिए अनबॉक्सिंग वगैरह करेंगे और A to Z रिव्यू वगैरह करने वाले हैं। क्या इसको इस प्राइस में, जो भी प्राइस वगैरह 12,000 रुपये का प्राइजिंग है, उस प्राइस में कितने बेस्ट फीचर्स वगैरह लेके आता है। फीचर्स तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन A to Z फीचर्स वगैरह रीड करेंगे और आपको बताएंगे कितने सारे अच्छे अच्छे फीचर्स वगैरह लेके आता है और क्या अपने प्राइस में इसको बजट वगैरह करना चाहिए। चलिए फिर दोस्तों, जब तक मैं गेम फिनिश करूँ, फटाफट वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अनबॉक्सिंग वीडियो अगर हमारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल बेल आइकन होगा उसे भी इनेबल कर दीजिए, ताकि ऐसे कोई डिटेल अनबॉक्सिंग वीडियो आती रहती है उसे अपने फ़ोन पर सबसे पहले देख पाएँ। चलिए फिर दोस्तों, फटाफट गेम तो खत्म होने वाला नहीं क्योंकि गेम लॉन्ग टाइम चलता था, फटाफट इसको मैं ऐसा कट करता हूँ फिर बात करते हैं। इस फोन को बात करने से पहले दोस्तों, अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते तो ये मेरे पास इसका बॉक्स पैकिंग है, जिसमें आपको सबसे पहले डाटा तो केस वगैरह मिल जाता है, जो मैं उसके लिए काफ़ी पीला थोड़ा बहुत हो गया यूज कर रहे हैं एक आध महीने के आसपास से, थोड़ा यूज गंदा सा हो गया, जहाँ पर इसमें कुछ चीज़ें मिलती है लेकिन पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ मैंने फेंक दिया। ये मिल जाता है 33 वोल्ट का अडैप्टर मिल जाता है, जिसका फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करता है, जो बेसिकली मेरे फ़ोन का, लेकिन इसके साथ भी सेम चीज़ें मिलता है। और ये USB 2 Type-C केबल, जो ये भी मेरे फ़ोन का, लेकिन आपको इस फ़ोन के साथ भी सेम चीज़ देखने के लिए मिलता है। बात तो सही है। अब इसके डिस्प्ले की बात करूँ, क्योंकि स्टूडियो स्पीकर तो है लेकिन डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले 6.5 इंच का मिल जाता है, जो इसके लिए ज़्यादा बड़े डिस्प्ले भी नहीं है, ज़्यादा छोटा नहीं, एवरेज डिस्प्ले है, जिसमें हैंड फील वगैरह काफ़ी सही है, इसके लिए लगेगा नहीं ज़्यादा बड़ा फ़ोन पकड़ हाथ में ले रखा है, जिसमें आपको बेजल यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले वगैरह मिल जाता है। बेजल्स की बात करूँ तो बेजल्स ऊपर तो थोड़ी बहुत देखने के लिए मिल जाते हैं, नीचे मिल जाते हैं, लेकिन साइड में बहुत बहुत कम बेजल्स वगैरह देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश मिल जाता है। इस प्राइस में भी 90 हर्ट्ज का रिफ्रेशेड मिलते हैं, लेकिन A to Z फीचर्स वगैरह की बात करो डिस्प्ले में दोस्तों, तो यही फीचर्स वगैरह मिलेगा, क्योंकि इस प्राइस पे आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले कोई भी प्रेफर नहीं करता और मिलता भी नहीं, बहुत कम ऐसे फ़ोन है सैमसंग का कोई फ़ोन वगैरह हुआ जिसमें आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले वगैरह मिल जाएगा। बेजलेस की बात करो तो बेजलेस तो काफ़ी सही है। यहाँ पर आपको दोस्तों फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, तो फेस अनलॉक भी काफ़ी सही से हो जाता है, उसके लिए यहाँ पर आपको वो भी नहीं आता लॉक अनलॉक करने का पैटर्न वगैरह नहीं आता है। यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी मिल जाता है, जो काफ़ी सही से वर्क वगैरह करता है। तो प्राइजिंग के हिसाब से जो एज फिंगरप्रिंट्स वगैरह काफ़ी सही से लॉक वगैरह सिक्योरिटी लॉक वगैरह काफ़ी सही से अच्छे लेवल पे वर्क वगैरह करता है। जिसमें आपको कैमरे की बात करूँ दोस्तों, सबसे पहले फेस कैमरे की बात करूँ तो 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा, जिसमें आपको वाइड एंगल लेंस वगैरह मिल जाता है, इसमें आपको पोर्ट्रेट मोड वगैरह मिल जाता है, तो सारे ऑप्शन वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें पोर्ट्रेट मोड वगैरह हम फोटो वगैरह ले पाएंगे, फोटो वगैरह दे दूँगा आप वहाँ से देख पाएंगे। इसमें आपको एक चीज़ बताऊँ, आगे वाले रियर कैमरे से भी आपको फुल HD में 30 FPS में रिकॉर्डिंग वगैरह कर पाएंगे। जिसमें आपको बैक साइड की बात करूँ तो बैक साइड में आपको कैमरा सेटअप की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का मिल जाएगा मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल मिल जाएगा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो वगैरह कैमरा मिल जाएगा, जिसमें आपको LED फ्लैश वगैरह यहाँ मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको इसमें भी दोस्तों 8x जूम का ऑप्शन एक तो मिल जाता है, लेकिन उसके बाद इसमें आपको हो जाएंगे तो इसमें भी आपको फुल HD का और 30 FPS का सपोर्ट वगैरह मिल जाएगा। तो कैमरे क्वालिटी के बारे की बात करूँ तो प्राइजिंग के हिसाब से दोस्तों, मेरे को इसकी कैमरे क्वालिटी में कोई शिकायत नहीं, इसकी भी कैमरे क्वालिटी काफ़ी सही है, कोई दिक्कत वगैरह नहीं आने वाली, अच्छे से यूज वगैरह कर पाएंगे। वाइड एंगल वगैरह मिल जाते हैं, पोर्ट्रेट मोड वगैरह इसमें भी मिल जाती है। मोड वगैरह की बात करूँ तो कैमरे में तो सब में ज़्यादातर मोड वगैरह मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको ब्यूटी मोड नहीं मिलने वाला, ज़्यादातर फोन से ब्यूटी मोड मिलता है, फिल्टर्स वगैरह मिल जाएंगे लेकिन ब्यूटी मोड नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगा और स्लो मोशन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे स्लो मोशन में दोस्तों, इसमें बहुत सारे स्लो मोशन मिल जाता है, ये आपको डुअल कैप्चर का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी सही है, क्योंकि आप इसमें क्या करेंगे, आगे का भी कैमरा इस्तेमाल कर सकते हैं, पीछे भी कैमरा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी सही है। तो ब्लॉगिंग वगैरह करना तो उसके लिए फ़ोन दोस्तों, मोटोरोला के जितने फ़ोन आते हैं और ही मैंने फ़ोन अनबॉक्सिंग वगैरह किया, ये काफ़ी इनमें फीचर्स वगैरह जो काफ़ी इन्हीं ब्रांड के फ़ोन वगैरह मोटोरोला के फ़ोन में ये फीचर्स वगैरह मिलते हैं। तो कैमरे में जो ये मेरे को जो फीचर्स होता है डुअल कैप्चर का, ये काफ़ी मुझे सबसे ज़्यादा सही लगता है देखने में। जिसमें आपको इसके बात करूँ तो इसमें आपको पावर देने के लिए इसमें आपको 5 जन में इसकी बैटरी दी गई, जो जैसे आपको बताऊँ 33 वॉट का अडाप्टर मिल जाता है, फटाफट चार्ज वगैरह हो जाएगा, तो 33 वॉट से फास्ट चार्जिंग वगैरह कर पाएंगे। टर्बो चार्जिंग वगैरह इसके लिए ऑन मोटोरोला कहता है, तो टर्बो चार्जिंग वगैरह कर पाएंगे, तो ये भी चीज़ काफ़ी सही है। का मतलब अब दोस्तों एक चीज़ लास्ट बात करने के लिए रह गया, जो जब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इसके लिए हमारा प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 680 प्रोसेसर मिल जाएगा, जो 2.4 GHz का प्रोसेसर है,
1.9 क्वाड कोर प्रोसेसर वगैरह मिल जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो काफ़ी सही मिल जाते हैं। मैं इसके लिए एक पहले बातें बताऊँ, इस प्राइस पे आपको 12,000 रुपये के आसपास प्राइजिंग है, वो 8 GB के वेरियंट मिल जाता है इसके लिए 12,000 में। इस प्राइस में दोस्तों 680 कोई देता नहीं, पहली बात। मुझे नहीं लगता, मैंने सारे पहले रिसर्च वगैरह कर रखा, कोई ब्रांड नहीं आता 680 के साथ 128 GB के वेरियंट वगैरह देता है, जिसमें आपको गेमिंग इसके लिए मैं प्ले कर चुका हूँ। तो गेमिंग की बात करूँ तो गेमिंग इसके लिए इसमें काफ़ी अच्छे से खेल सकते हैं, हाई एंड सेटिंग्स पर तो नहीं खेल सकते, लेकिन काफ़ी इसके लिए कलर कॉम्बिनेशन वगैरह काफ़ी एडिजेट सही मिल जाता है इसमें आपको। ओहो, मारना पड़ेगा पहले इसको, मारते हैं फिर बात करते हैं। भाई मेरे पास तो है ही नहीं कुछ, इसको फटाफट मारते हैं। इसमें दोस्तों आपको जो जैसे बता प्रोसेसर मिल जाता है इसके लिए, आप इस प्राइस में दोस्तों काफ़ी सही इसके लिए परफॉर्मेंस लेके आ जाता है, 2.5 लाख के आसपास इसका एंटीटू स्कोर है, तो 2.5 लाख के में भी आप गेमिंग वगैरह अच्छे खेल पाएंगे। 2.5 से 3.5 लाख के आसपास मिल जाएगा, 2.5 तो नहीं मिलेगा, 2.5 के आसपास ही मिलेगा, 2.40 के आसपास मिल जाएगा, और दे दूंगा डिस्प्ले पे 2.25 लाख के आसपास एंटीटू स्कोर वगैरह मिल जाएगा। तो काफ़ी सही अपने प्राइस में काफ़ी सही चीज़ें लेके आता है, तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस वगैरह काफ़ी सही मिल जाता है। जिसमें आपको इसकी इसके लिए बात करो दोस्तों ग्राफिक्स की, तो यहाँ पर ग्राफिक्स में बात करूँ तो इसमें आपको HD बैलेंस पे खेल, HD पे नहीं खेल पाए, बैलेंस मीडियम पे जा सकते, HD वगैरह पे नहीं जा सकते, बैलेंस पे और मीडियम पे खेल सकते हैं। जिसमें मैंने खेला काफ़ी पिछले, मैं 10-15 दिन से इसमें गेमिंग वगैरह कर रहा हूँ, वीडियो वगैरह खेल रहा हूँ, बिजली की वीडियो वगैरह प्ले कर रहा हूँ। तो मुझे दोस्तों 12,000 रुपये के आसपास में मुझे इस फ़ोन में सच बताऊँ तो कोई भी कमी नज़र नहीं आई बिजली में, मुझे इस प्राइस में 12,000 रुपये के आसपास में काफ़ी सही लगा रहा फ़ोन। इसके लिए सबसे सस्ता 4G बिजली स्मार्टफोन भी, सबसे ज़्यादा स्टोरेज के साथ मोटोरोला का आता, तो मोटोरोला जो इस टाइम पे दोस्तों काम वगैरह कर रहा है काफ़ी सही कर रहा है, काफ़ी मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ें कर रहा है। इसमें आपको 128 GB का वेरियंट जैसे बताया मिल जाता है, 8 GB का स्टोरेज मिल जाता है जो काफ़ी मैसिव है। अगर आप गेमिंग वगैरह नहीं करना चाहते, गेमिंग के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि गेमिंग कुछ खास ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, खेल सकते हैं जैसे बताऊँ लेकिन अच्छे लेवल पर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप नॉर्मल यूज़ करना चाहते हैं, वीडियो वगैरह देखना चाहते हैं, मल्टी मीडिया वगैरह बेसिकली वीडियो वगैरह बनाते हैं कुछ, मतलब और भी चीज़ें गेमिंग के अलावा कुछ भी चीज़ें करते हैं, अगर इस प्राइस में आपको फ़ोन चाहिए तो ये फ़ोन काफ़ी सही है, इसके लिए आप जा सकते हैं। मेरे को मुझे नहीं लगता इस फ़ोन में कोई कमी है, आप इसको आंख बंद कर परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको ये भी नहीं है कि उल्टे सीधे ऐड वगैरह बिस्किले ऐप वगैरह मिल जाएंगे, क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये भी काफ़ी सही है। जो मेरे हिसाब से इस प्राइस पे सैमसंग के अलावा कोई भी रेकमेंड नहीं करता, लेकिन सैमसंग का इस प्राइस पे इतने ज़्यादा सारे फीचर्स वगैरह नहीं मिलते। तो चलिए फिर दोस्तों, अगर परचेज करना चाहेंगे तो मेरी तरफ से, अगर फ़ोन आपको चाहिए तो मोटोरोला परचेज कर सकते हैं, तो मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है, परचेज कीजिए, काफ़ी सही फ़ोन है, इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जिसमें आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, इसमें आपको अगर कम का चाहिए 10,000 के आसपास में चाहिए तो 6 GB और 64 GB के वेरियंट मिल जाता है, तो उसके लिए भी जा सकते हैं, जो 10,000 के आसपास के प्राइस में मिल जाता है तो परचेज कर सकते हैं, नहीं तो 2,000 और डाल सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम यूज़ करना है तो काफ़ी स्टोरेज वगैरह चाहिए होती है, काफ़ी बाद में फुल हो जाए, क्योंकि 128 GB का स्टोरेज इतना होगा आपको फुल नहीं होगा, कभी भी यूज कीजिए, कभी स्टोरेज भरने वाला नहीं है, तो उसके लिए जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से परचेज कीजिए दोस्तों, लिंक वगैरह दे दूँगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से परचेज वगैरह कर पाएंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत पैसा और डाल के अच्छे फ़ोन ले सकते हैं, 5G फ़ोन चाहिए तो उन सबका वीडियो बना चुका हूँ, लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जो इसके लिए 5G फोन भी काफ़ी सारे इसके लिए अच्छे अच्छे फ़ोन आते हैं, तो लिंक वगैरह दे दूँगा, वहाँ से देख पाएंगे। नहीं तो 4G फ़ोन चाहिए तो 12-14 हज़ार रुपये के आसपास में भी परचेज करना चाहते हो तो ये 12-2 हज़ार बचाइए और 12 हज़ार इस फ़ोन को परचेज कीजिए, काफ़ी चीज़ें आपको कोई भी शिकायत वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ये दोस्तों मैं सच बताऊँ तो आप 15-20 दिन से यूज़ कर रहा हूँ तब बता रहा हूँ, इसके लिए अनबॉक्सिंग वीडियो तो बना पहले सकता था, लेकिन फ़ायदा नहीं, डब्बा खोल के दिखाऊँ कोई फीचर्स वगैरह बताऊँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ए टू जेड परफॉर्मेंस की बात करें, डिटेल मेन डिटेल परफॉर्मेंस के लिए कोई लेता फ़ोन तो परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में आपको कोई भी शिकायत वगैरह नहीं मिलेगी। चलिए फिर दोस्तों, उम्मीद कर दो वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, और जैसे बताओ और ही फ़ोन की वीडियो वगैरह बनाई है तो उन सबको लाइक वगैरह मिल जाएगा, उन सबको भी परचेज वगैरह कर पाएंगे। मैं फटाफट गेम फिनिश करता हूँ, आप लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को फिनिश वगैरह कर दीजिए। चलिए फिर दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।